आज हम डिस्कस करने वाले हैं टीचिंग ऑफ सोशल साइंस के अंतर्गत जो एक सब्जेक्ट है, टीचिंग ऑफ सोशल साइंस मीन्स सामाजिक विज्ञान शिक्षण। उनमें आज एक क्वेश्चन देखने वाले हैं, एक सामाजिक अध्ययन के शिक्षक में किन किन व्यावसायिक गुणों या पेशेवर कुशलता का होना आवश्यक है, और शिक्षक के क्या उत्तरदायित्व है, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। जैसे सामाजिक विज्ञान अध्ययन के शिक्षक के प्रमुख व्यावसायिक गुणों के बारे में हम बात करेंगे। जैसे शिक्षण में रुचि, सबसे पहले यह पॉइंट है कि शिक्षण में रुचि यानी कि सामाजिक अध्ययन के शिक्षक के व्यावसायिक गुण या पेशेवर की कुशलता में शिक्षण में रुचि सबसे पहला पॉइंट आता है कि अध्यापक को शिक्षण कार्य में रुचि होना चाहिए, जो पढ़ाने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। अध्यापक को शिक्षक को शिक्षण कार्य में अपनी पूर्ण सहभागिता दिखानी चाहिए, शिक्षण में रुचि पहला पॉइंट। दूसरा है विषय का रास्ता, तो शिक्षक और छात्रों के बीच में अपने अस्तित्व को प्रतिष्ठित करने के लिए यह आवश्यक है कि अध्यापक जिस विषय का है उस विषय की नवीनतम जानकारी उसके पास होनी चाहिए, उसे जीवन पर्यंत अध्ययनशील रहना चाहिए। मतलब कोई भी टीचर है वो टीचर नहीं रहता, वो शिक्षक नहीं रहता, वो छात्र ही रहता है, शिष्य ही रहता है, विद्यार्थी ही रहता है, क्योंकि उसे हमेशा नया कुछ न कुछ पढ़ना होता है, तभी वह उस गुण को अपने अंदर विकसित कर पाएगा। अध्यापक को इस बात का भी प्रयास करना चाहिए कि वह अन्य विषयों के तथा शिक्षा जगत में उभरते हुए नवीन जो आयाम है उनसे भी स्वयं को अवगत कराए। तीसरा पॉइंट है अच्छे टीचर यानी कि व्यावसायिक गुण के उसमें नवीन शिक्षण पद्धतियों का ज्ञान। अध्यापक को शिक्षण की नवीन पद्धतियों का ज्ञान न सिर्फ ज्ञान हो बल्कि उनका प्रयोग कर सकने में उसमें क्षमता भी होनी चाहिए। उसके अंदर उसे इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि किन विधियों का प्रयोग किन विषयों विद्यार्थियों के लिए उपयोगी रहेगा, और यदि आवश्यकता पड़े तो इनका प्रयोग करने का प्रशिक्षण भी उसे अपने सहयोगियों को देना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, इसके अलावा हम देखें शिक्षा प्रयोग व अनुसंधान में रुचि। वर्तमान युग में दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में शोध और अनुसंधान का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। अध्यापक को यदि अपने शिक्षण में सुधार लाना है तो उसे प्रतिदिन नए अनुसंधान रिसर्च और नए नए प्रयोग करना चाहिए। साथ ही उसके शिक्षण के दौरान लक्ष्य में जो भी समस्या उत्पन्न हो उसका उसके प्रयोगों के आधार पर वैज्ञानिक ढंग से समाधान करने का प्रयास करना चाहिए, ये भी उसके एक गुण है। फिर इसके अलावा सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को व्यावसायिक गुण के अंतर्गत पढ़ाने से पूर्व पाठ की तैयारी करना चाहिए। कोई भी टीचर हो उसे अध्यापक को कक्षा में जाने से पूर्व पाठ की पूर्ण तरीके से तैयारी कर लेनी चाहिए, अपने पाठ को योजनाबद्ध रूप से छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। अध्यापक कितना ही ज्ञानवान क्यों न हो, यदि वह पूर्ण तैयारी के साथ कक्षा में नहीं जाता है तो इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि वह कुछ व्यर्थ की बातें पढ़ा दे और कुछ काम की बातों को न पढ़ाए। इसलिए वह आवश्यक है कि अध्यापक को जो कुछ भी पढ़ाए वह पूर्ण नियोजित होना चाहिए, पहले से प्री प्लान होना चाहिए कि क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है। छठा पॉइंट है शिक्षण सूत्रों के अनुरूप पाठों को प्रस्तुत करना। छात्रों के समक्ष यदि किसी पाठ को प्रस्तुत किया जाता है तो हम चाहते हैं कि वह उस पाठ को आसानी पूर्वक ग्रहण कर सके। इसके लिए जरूरी है कि अध्यापक शिक्षण सूत्रों को ध्यान में रखकर छात्रों को पढ़ाए, इससे वो आसानी से समझ पाएंगे, और इन सूत्रों का छात्रों को तो ज्ञान होना ही चाहिए, इसके अलावा अध्यापक को पहले से ज्ञान होना चाहिए, साथ ही इनका प्रयोग करते आना चाहिए कि किस तरीके से सरल से कठिन की ओर और ज्ञात से अज्ञात की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर जाया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों शिक्षक के महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। शिक्षक को अपने शिक्षण कार्य में अनेक उत्तरदायित्वों का निर्वाह करना पड़ता है, जैसे प्लानिंग यानी नियोजन। अपने कार्य को कुशलतापूर्वक करने के लिए शिक्षक को सत्र के आरंभ में ही पूरे वर्ष में किए जाने वाले कार्यों का योजना बना लेनी चाहिए, क्योंकि अनियोजित कार्य कभी भी सफलता से पूर्ण नहीं होता है। इसके अलावा दोस्तों शिक्षण ही शिक्षक का प्रथम कर्तव्य है, यानी कि पढ़ाना ही शिक्षक का पहला कर्तव्य है, और अपने शिक्षण के रुचिकर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। बंधन में होने के कारण शिक्षक शिक्षण नहीं कर सकता और उसमें आनंद ले और निरंतर विकास की ओर उन्मुख होना चाहिए। तीसरा पॉइंट आता है शिक्षक के उत्तरदायित्व के अंतर्गत संगठन।
अध्यापक को पाठ्यक्रमी और पाठ्यक्रम सहभागी जो सहगामी विभिन्न क्रियाओं का संगठन करना पड़ता है, अतः उसे संगठन कार्य में कुशल होना चाहिए। पर्यवेक्षण, शिक्षक को छात्रों के कार्य का पर्यवेक्षण भी करना होता है। छात्र पूर्ण रूप से अनुशासित रहते हैं कि नहीं रहते हैं, अपने प्रत्येक कार्य को उचित ढंग से संपन्न कर रहे हैं कि नहीं, इसका पर्यवेक्षण करना शिक्षक का उत्तरदायित्व है। साथ ही अपने मित्रों की सलाह और प्रार्थना पर वह अपने साथियों की कक्षा को पर्यवेक्षण करके उन्हें भी आवश्यक सुझाव दे सकता है। सदर्शन, सदर्शन का उत्तरदायित्व भी अध्यापक का ही है। सदर्शन की अनुपस्थिति में उसे छात्रों को पाठ्यक्रम में चुनाव, उसके महत्व, भावी संभावनाओं और व्यक्तिगत समस्याओं को सुलझाने के लिए आवश्यक परामर्श भी देना चाहिए। अभिलेखन, नेक्स्ट पॉइंट है, छठा पॉइंट, शिक्षक के उत्तरदायित्व के अंतर्गत अपनी कक्षा के छात्रों के प्रवेश, प्रगति, उपस्थिति और कार्य आदि के संबंध में अभिलेखों को तैयार करने का उत्तरदायित्व भी अध्यापक का, शिक्षक का ही होता है। इनकी तैयारी में उसे तत्परता, सच्चाई और निष्पक्षता रखनी चाहिए। संबंध स्थापन, शिक्षक का छात्रों के साथ या अभिभावक या संबंध, मतलब अभिभावक सा संबंध उनके साथ, छात्रों के साथ होना चाहिए। सहकर्मियों के साथ मित्रवत संबंध होना चाहिए। प्रधानाचार्य के साथ सही रूप से देखा जाए तो बड़े भाई का होना चाहिए और अभिभावकों के साथ निष्कपट, सहानुभूतिपूर्ण संबंध होना चाहिए। समाज की बड़ी पेनी दृष्टि अध्यापक की ओर लगी रहती है। सामाजिक समस्याओं को समझना, नेतृत्व प्रदान करना और अपवादों से सदैव दूर रहना शिक्षक का विशेष या महत्वपूर्ण कर्तव्य माना जाता है। मूल्यांकन, शिक्षक का कार्य छात्रों के कार्य, उनकी प्रगति, अवरोध के कारण का मूल्यांकन करना भी है। मूल्यांकन में शिक्षक को निष्पक्ष और सतर्क रहना चाहिए। किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत धारणा का कुप्रभाव इस पर नहीं पड़े, ये विशेष रूप से बात ध्यान देना चाहिए।